75 सालों की कुल उम्र में अपने वजूद को बचाए रखने के लिए यह 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है इसराइल। हमास ने इसराइल को तगड़ी चोट पहुंचाने की नियत से जंग का आगाज किया। इसराइल अब जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए लड़ रहा है और इस संघर्ष में दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। देशों के बीच धमकियां, चेतावनी, समर्थन, विरोध के सिलसिले चल रहे हैं। बस एक बेलगाम चिंगारी थर्ड वर्ल्ड वॉर को आग भड़का सकती है। ये जंग दुनिया को ऐतिहासिक मोड़ पर ले आई है। सदियों की अदावत, दशकों का संघर्ष, वर्षों की जंग निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अब या तो मिडिल ईस्ट का इतिहास बदलेगा या भूगोल। ये दुनिया 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ पर बसी है, लेकिन इतने बड़े भूभाग में 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए सदियों से जंग चल रही है। सुलगती 35 एकड़ जमीन के लिए लगातार चल रहे संघर्ष ने दुनिया को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। जंग फिर छिड़ी है, हर दिन कयामत की तरह बीत रहा है और हर रात भारी। इसराइल के मातम से लेकर इंतकाम की सौगंध तक और गाजा पट्टी से बरसे हजारों रॉकेट मिसाइलों से लेकर उसकी तबाही के बीच कई सवाल बिखरे पड़े हैं, जो लाशों के ढेर और मलबों के अंबारों से कुछ जवाब चाहते हैं। इस जंग में किसकी ताकत कितनी है? एक ही समय में शांति के नोबेल पुरस्कार के साझीदार इसराइल और फिलिस्तीन आज दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की चौखट तक कैसे ले आए? कभी ईरान का बेहद मजबूत दोस्त रहा इसराइल, आज ईरान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? ब्रिटेन की मदद से अस्तित्व में आने वाले इसराइल की अभेद्य ढाल अमेरिका कैसे बन गया? आज फिलिस्तीन के लिए इसराइल के खिलाफ दम भरने वाले पाकिस्तान के खुद के हाथ कैसे रंगे हैं हजारों फिलिस्तीनियों के खून से? और वो एक मुहर कौन सी थी जो समझौते के कागज पर अगर पूरी तैयारी के साथ लग जाती तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता सदियों से चला आ रहा सभ्यताओं का टकराव? ओस्लो एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि वो जो है पीएलओ सारी जो टेररिज्म है उसको छोड़ देंगे और ये इनको इसराइल को एक राइट टू लिव पीसफुली दिया जाएगा। 13 इस्लामिक दुश्मन देशों से घिरे इसराइल के लिए शांति काल कभी नहीं रहा। कभी 4, कभी 7, तो कभी 8 देशों के खिलाफ एक साथ युद्ध हुआ। हमास के ताजा हमलों के बाद इसराइल के अनुसार वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए फिर से युद्ध में। ये पहली बार है जब इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग को औपचारिक तौर पर युद्ध कहा है। इसमें ईरान की भूमिका भी अब अहम होती जा रही है। चुपके से पिछले 2 साल के अंदर ना सिर्फ कतर से, ना सिर्फ तुर्की से, बल्कि ईरान से भी भारी मात्रा में फंडिंग और हथियार हिजबुल्ला के जो ग्रुप है लेबनान में, उसके माध्यम से सीरिया से होते हुए और सुरंगों के माध्यम से तथा गाजा स्ट्रिप के अंदर समुद्र के माध्यम से हमास को दिए गए। और हमास ने जो पिछले सैटरडे को एक भीषण अटैक किया है, एक बहुत ही जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए ऐसा अटैक किया है, उसकी जो पटकथा है वो पिछले 2 साल से ईरान फंडिंग और हथियार के माध्यम से लगातार की जा रहा है। जंग का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये 3 संभावनाएं हैं जो बताती हैं कि जंग बढ़ती गई तो सऊदी अरब सहित अन्य मुस्लिम देश अमेरिका के समर्थन से दूर हटेंगे। गाजा पर इसराइल की कड़ी कार्रवाई के बाद नया फिलिस्तीनी विद्रोह उपजा तो इसराइल के लिए नई चुनौतियां बनेंगी। हमास को खत्म करने के लिए इसराइल जितना आक्रामक होगा उतना ही मुस्लिम देश आपसी मतभेद भुलाकर एक झंडे के नीचे आएंगे। तीनों ही परिस्थितियों में जीत ईरान की होगी। इस इलाके में ईरान एक बड़ा देश है, वो शिया मुस्लिम्स का देश है, वो न्यूक्लियर पावर बनने का भी शंका है कि वो न्यूक्लियर पावर इख्तियार करते जा रहे हैं। इसराइल उनको अपने अस्तित्व पर एक खतरा मानता है और उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उधर ईरान इसराइल को बर्बाद करना चाहता है। तो ये तो लड़ाई धर्म से शुरू हुई थी, अभी पावर प्रोजेक्शन है।